हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम वजीर एक्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया का, उस पर केवाईसी करना देखेंगे। तो मैं पहले वजीर एक्स जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ। केवाईसी करने के लिए आपको जो ऊपर देखिए आप वजीर एक्स के पास में ये जो ऑप्शन बना हुआ है ना सेटिंग का सा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट ये ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी केवाईसी, पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि आप केवाईसी और बिना केवाईसी के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं। देखिए तो ईमेल और सिक्योरिटी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको केवाईसी करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है। देखिए विदाउट केवाईसी आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो डिपॉजिट क्रिप्टो, आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रेड, ये दो चीज़ें तो आप कर सकते हैं। बट रुपए आप अपने जो भी मोबीक्विक से या फिर बैंक से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। पी टू पी मतलब आप पर्सन टू पर्सन नहीं ले सकते। और साथ में विड्रॉ, अगर आपने रुपए ले लिए हैं किसी भी तरीके से तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बिना केवाईसी के तो कोई मतलब ही नहीं है वजीर एक्स को यूज़ करने का। तो केवाईसी तो आपको करनी ही पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। मैं कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, कंट्री इंडिया हो गई, टाइप ऑफ केवाईसी पर्सनल है, फर्स्ट नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, स्टेट आप जो भी आपकी स्टेट है वो आप डाल सकते हैं, सिटी, जिप कोड जो आपका पिन कोड है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अब आ रही है पैन कार्ड की डिटेल्स। तो पैन कार्ड नंबर आपने डाला, उसको दोबारा आप रिपीट कीजिए। उसके बाद में है कैप्चर पैन कार्ड, ये बहुत जो क्रूशियल जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की जो केवाईसी वो इसी चक्कर में रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज वो सही से इमेज नहीं ले पाते। तो इमेज के लिए ऑलरेडी इन्होंने टिप्स दी हुई है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टिप दी हुई है। तो सबसे पहला देखिए, होल्ड योर आईडी विद इन द बॉक्स, सेकेंड डू नॉट प्लेस आउटसाइड, मतलब बॉक्स के बाहर कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, अवॉइड ग्लेयर, मतलब अपन क्या सोचते हैं कई बार फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं या फिर किसी भी लाइट की रोशनी आ रही होती है, शाइनी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पॉलीथीन वगैरह रैप्ड होता है ना, तो उस चक्कर में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी वो रैप पे उस पर मतलब आपकी शाइनिंग नहीं है, उस पर ग्लेयर नहीं है। जैसे ही आप प्रोसीड टू कैप्चर करते हैं तो देखिए अब ये ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स जो है वो बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर ही अंदर आपको अपना जो पैन कार्ड है वो लेना है, क्लिक करना है। सो इस तरीके से आप पैन कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ आधार कार्ड के साथ में करनी है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया आपने, इसके अलावा भी ऑप्शन है पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आप डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है जो वो आधार कार्ड आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। आधार कार्ड नंबर आपने दोबारा डाला, सेम वही जो कैप्चराइजेशन आपने अपने पैन कार्ड में किया था, बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर ही ये डिटेल आनी चाहिए। आप इसको जैसे ही आप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे क्या करना है एग्जैक्टली। सेम दो आपको रहेगा, फ्रंट और बैक आधार कार्ड का आपको देना है। इसके अंदर सेल्फ़ी लेनी है, सेल्फ़ी लेने के लिए आप देखो यहाँ पर सेल्फ़ी की टिप्स आ रही हैं, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और जो कैमरा है वो आपके फ्रंट में होना चाहिए, लाइट ब्राइट होगी, लेकिन कभी आप चश्मा पहन के नहीं और कोई टोपी नहीं। जैसे फ़िलहाल मैंने टोपी लगा रखी है, अगर मैं सपोज़ मैं सेल्फ़ी लेता हूँ और इसको सेंड करता हूँ या सबमिट करता हूँ डिटेल को, तो वो मेरी वेरीफाई नहीं होगी बिकॉज मैंने टोपी लगा रखी। सो उसके लिए मुझे टोपी हटानी पड़ेगी और उसके बाद में ही वेरीफिकेशन होगा। सो इस तरीके से आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है सबमिट फॉर वेरीफिकेशन, तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं वेरीफिकेशन के लिए तो आसानी से ये जो आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो जाती है। 2 से 3 दिन के अंदर वेरीफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपना जो अकाउंट है वजीर एक्स का उसको आसानी से वेरीफाई और केवाईसी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।